नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन इस गठन के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ युवाओं को आगे करने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन विरोधियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे अटल और साथ ही साथ आडवाणी के युग का अंत बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर रही है या फिर ये एक नए युग की शुरुआत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मनोहर मनोज पत्रकार जो हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुछ देर के बाद चंद्रशेखर राय साहब बीजेपी की तरफ से और अमित मिश्रा साहब कांग्रेस की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मनोहर मनोज जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, इसे एक युग का अंत माना जाए या एक नए युग की शुरुआत? हाँ, ये दोनों चीजें जो आपने कही, दोनों चीजों का एक तरह से अक्स दिखाई पड़ता है आज के भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर के। क्योंकि ये है कि जो भी पीढ़ी होती है उसका एक अवसान तो होता ही है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले, मैं कहूँ कि 1970 के बाद से अटल आडवाणी की जोड़ी ने पूरा इसे एक तरह से परिमार्जित, संचित, विकसित, पल्लवित, पुष्पित करने का काम देश की मुख्य विपक्षी दल के रूप में लंबे समय तक काम करने वाली जनसंघ और फिर 1980 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को किया। और आज यह पार्टी जो है वो सत्तारूढ़ हुई है बिल्कुल अपने बदौलत, और जिस तरीके से नए पीढ़ी का आगमन हो रहा है, शासन के नेतृत्व से लेकर के पार्टी के नेतृत्व तक सारे चेहरे बदले गए हैं, तो इन तीनों का एक महज पार्टी में तकनीकी पदों पर रहना एक औपचारिकता थी। अब उस औपचारिकता को भी खत्म करके जो है एक तरह से नई शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि जो आज जो संसदीय बोर्ड से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी तो करीब 10 साल से अस्वस्थ चल रहे हैं, पार्टी में वो सक्रिय नहीं थे जी, लेकिन तकनीकी तौर पे इन तीनों लोगों को जो आज हटाया गया है, मुझे लगता है कि अब इस खबर में दम अब उतना इसलिए नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है और जो एक साल पहले जो मंथन हुआ था, जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी को दी गई थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, और आज सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है उन्हीं के राज्य के अमित शाह को बनाया गया है, जो उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बेहतर काम किया। तो मुझे लगता है कि अब ये स्थिति जो है अपने आप में समाप्त हो गई है, और मुझे लगता है कि आडवाणी और जोशी से पूछ कर ही उन्हें तकनीकी पदों पर जो है उनसे अलग रखा गया है। क्योंकि एक न एक समय आडवाणी जी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 40-50 सालों से पार्टी के लिए किया और पूरी संसदीय राजनीति का उन्होंने नेतृत्व किया। उसी तरीके से मुरली मनोहर जोशी एक वरिष्ठ मंत्री के जिम्मेदार एक तरह से दावेदार थे, लेकिन सीन बिल्कुल बदल चुका था। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलवाई और वो अब प्रधानमंत्री के सवाल यहीं से उठता है कि जिस तरीके से 5 साल पहले की अगर बात की जाए या जिस वक्त 2004 के बाद की बात की जाए, जब लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, पीएम इन वेटिंग का उन्हें तमगा दिया गया था, तो सवाल यही है कि इन सालों के दौरान ऐसा क्या बदला है? नरेंद्र मोदी की छवि उभरकर सामने आई, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, ये जग जाहिर है जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में काम करा, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की जो छवि है वो गिरी है बीजेपी के अंदर भी या लोगों के बीच में, जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट भी किया गया था, तो क्या उस छवि को अब इतना नकार दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि उन्हें किसी भी वरिष्ठ पद के भी लायक नहीं समझा गया, सरकार से उन्हें अलग किया गया, उसके बाद अब जो संसदीय बोर्ड जो बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उससे भी उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो ये किस और ये मनोदशा जाहिर करती है? क्या आरएसएस जो है, जो एक सीमा रेखा खींचना चाहता था, उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है, या आरएसएस का जो हस्तक्षेप है वो और ज्यादा दिखाई देगा इससे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चयन और भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस का उसमें बहुत बड़ा से है। लेकिन मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी की छवि गिरी है, क्योंकि छवि का पैमाना अलग अलग है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोच्च नेता थे तो कईयों के नजर में वो इस देश के बहुत बड़े दंगाई भी थे, तो छवि के अपने अपने नजरिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक वैचारिक क्लैरिटी देने के रूप में, मुझे लगता है कि आडवाणी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जो आडवाणी ने योगदान दिया है, जो अथक परिश्रम किया और जिस तरीके से उन्होंने
30-40 सालों में जो है अनवरत रथ यात्राएं की, दर्जनों रथ यात्राएं की, कई बार अध्यक्ष पर रहे और उनका जो कमिटमेंट था पार्टी के प्रति, पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति, वो अपने स्वार्थ से अलग था जी। अटल बिहारी वाजपेयी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बने तब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने छवि के लिए काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठन और संगठन में वाजपेयी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो कुल मिलाकर के आडवाणी के योगदान को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, आज जो के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक समय लाल यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का जो युग को अंत करने की ओर बढ़ाया गया है, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी या फिर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है बीजेपी की तरफ से? और सबसे बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, वापस आऊंगा आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर इसे युग का अंत माना जाए और साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार माना जाए, जिस तरीके से लगातार विरोधियों की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता था युवा पीढ़ी को आगे लाने का, सवाल यह भी उठता है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। सत्ताधारी बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया है। संसदीय बोर्ड के नए अध्यक्ष अमित शाह होंगे। वहीं बीजेपी की संसदीय बोर्ड में रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अब पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। वरिष्ठ नेताओं के अलावा मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को भी जगह दी गई है। बीजेपी में पहली बार मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने पार्टी के की तीन कमेटियां अनाउंस की। इसमें एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड आज गठित हुआ है और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हुआ है। नए संसदीय बोर्ड में सदस्य, संसदीय बोर्ड में राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, थावरचंद गहलोत और रामलाल हैं। वहीं बीजेपी के सबसे शक्तिशाली संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान नए सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। क्या है संसदीय बोर्ड? बीजेपी संसदीय बोर्ड में कुल 12 सदस्य होते हैं। पार्टी अध्यक्ष इस बोर्ड का चेयरमैन होता है। पार्टी से जुड़े सारे अहम फैसले यही संसदीय बोर्ड करता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संसदीय बोर्ड में नियुक्ति करता है। बड़ों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश। सूत्र बताते हैं कि आडवाणी और जोशी को एकदम से बाहर करने से नाराजगी फैलती, इसलिए पहली बार मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है। पार्टी अपने युवा नेताओं को आगे लाने की कोशिश में है। इसी क्रम में कुछ नए चेहरों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि क्या वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर मार्गदर्शक मंडल का गठन करना सिर्फ औपचारिकता मात्र है, क्या मुखदर्शक बनाया गया है? और जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर यह आरोप जरूर लगता रहा है लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, इस पर क्या स्पष्टीकरण है बीजेपी का? चंद्रशेखर राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अमित मिश्रा साहब भी। चंद्रशेखर राय साहब, आपसे जानना चाहता हूं, पूरी अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पर हम जाए, उससे पहले ये जो कदम लिया गया है या जो स्टेप लिया गया है, इसे क्या माना जाए? एक तरफ आप वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करते हैं, सरकार से बाहर करते हैं, संसदीय बोर्ड से बाहर करते हैं, और उसके बाद एक मार्गदर्शन मंडल का गठन कर देते हैं, आखिर इसे क्या माना जाए? एक युग का अंत कर रहे हैं आप लोग या एक युग, नए युग की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको समझाऊं, किसी को निकाल के बाहर नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त से बनी है, अगर आप देखें तो माननीय अटल जी, आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी को अगर कहा जाए, तो ये पहले जिसको बोला जाए कि जो जिस समय गठन हुआ, ये उस वक्त के नेता हैं। और कोई भी पार्टी जब एक लंबे समय तक चलती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के लिए रखना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि मार्गदर्शन मंडल का गठन इसलिए किया गया कि इनको साइडलाइन किया जाए, ऐसा नहीं है। ये लोग एक हम लोगों के लिए इतने आदरणीय हैं कि इनका रहना हम लोगों के बीच में जरूरी है। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं कि संसदीय बोर्ड में या चुनाव समिति के अंदर इनको नहीं रखा गया, तो उसके पीछे कारण ये नहीं कि ये इनको एक साइडलाइन किया गया, बल्कि ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी ऐसा सोचती है कि ऐसे लोगों की टीम हो जो बहुत मजबूती से, बहुत तेजी से, अपनी पूरी ताकत के संग लग करके काम कर सके।
इसका मतलब कहीं भी आप इसको इतना लगाएं कि वो लोग काम करने की क्षमता में नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप ये पार्टी के अंदर संसदीय बोर्ड को सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, बीजेपी को सबसे ज्यादा बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आप लोग करार देते हैं, लेकिन अब संसदीय बोर्ड और एक मार्गदर्शक मंडल जो आप लोगों ने बनाया है, पांच लोगों का जो उसमें चयन किया गया है, अब इन दोनों के बीच में शक्तियां किसकी ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होती, एक बात समझिए। दूसरा, आप जो मार्गदर्शक मंडल की बात कर रहे हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, माननीय राजनाथ जी भी हैं, और उसमें ये तीनों बड़े नेता भी हैं, तो क्या इनका मार्गदर्शन नहीं लिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि पार्टी में वीटो का मामला है कि नहीं साहब ये 12 लोगों ने वीटो कर दिया तो काम खत्म हो गया? ये जितने 12 लोग उसके अंदर बैठे हैं, अगर पार्टी का कोई बड़ा फैसला लेना है तो संसदीय बोर्ड को सबसे ऊपर रखा गया, अब आप एक नई संस्था का गठन कर रहे हैं, पांच लोगों को उसमें चयनित किया गया है, उनको क्या पावर दी गई है? क्या सिर्फ मार्गदर्शक मुखदर्शक के तौर पर रहेंगे? नहीं, उसे डिफाइन करना होगा एटलीस्ट। देखिए क्या है, एक परंपरा है, एक परिवार है, जिस परिवार के अंदर एक बड़ा व्यक्ति जब होता है तो मार्गदर्शन की भूमिका में आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर वो जो कोई चीज बोल रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। ये तीनों लोग, मैंने आपको क्या बताया कि ये तीनों के तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, जिनका कद किसी भी व्यक्ति से बहुत ऊपर है, और ऐसे व्यक्ति अगर मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं तो इसमें यह नहीं मानना चाहिए कि उनको पावरलेस कर दिया गया है, वो आदरणीय और हमेशा आदरणीय रहेंगे। जी अमित मिश्रा साहब, लगता है आपको इसी मनोदशा के तहत ये पूरा फैसला लिया गया है? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहां पर गठन किया गया है पार्टी के अंदर, एक नए मंडल का यहां पर गठन किया जाता है, तो क्या ये एक अलग ऐसी संस्था बनाने की कोशिश है जिसके पास पूरी पावर रहेगी? जिस तरीके से चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं कि हमने एक अलग मंडल का गठन इसलिए किया है कि जो वरिष्ठ नेता है जिन्होंने पार्टी का गठन किया या जो पार्टी को लेकर यहां तक पहुंचे, अब उनके हाथ में एक स्पेशल पावर आए, अब वो अगर मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए सुमित जी, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी आपने हमें इसमें आमंत्रित किया है इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तो मैं अपना व्यक्तित्व तो रखता हूं। कांग्रेस की तरफ से कई टिप्पणियां आई हैं, इसलिए आप लोगों का मैं वही बता रहा हूं सुमित जी। वैसे तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है, और जब घर का मामला बाहर आ जाता है तो सार्वजनिक मामला हो जाता है और उस पर हमें बोलना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए बता रहा हूं कि इनका घर का मामला है, लेकिन फिर भी आपने हमें आमंत्रित किया इसलिए मैं बताता हूं कि जो मोदी जी का इतिहास रहा है वो इस बात की गवाही देता है कि मोदी जी जो है वो एकाधिकार चाहते हैं, चाहे वो सरकार का मामला हो चाहे वो संगठन का मामला हो। अगर आपको ध्यान हो तो अडवाणी जी ने ही इस मोदी रूपी जो पौधा है उसको सींचा और बड़ा किया, लेकिन आज जब वो पौधा विशालकाय हो गया, उसकी छांव की जरूरत अडवाणी जी को थी, तो उसने अपना वर्धस्त उनके ऊपर से हटा लिया। और ऐसा सिर्फ अभी नहीं हुआ है, अगर आप इलेक्शन के समय की बात करते हैं उस समय ही आपने देखा कि अडवाणी जी को और जोशी जी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी अपनी सीटों के लिए, अपने जो नरेंद्र मोदी पैनल में है ना जो पांच का बनाया गया, तो लेकिन मैं आपसे वही बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं एक ओल्ड एज होम की तरह बना दिया गया है कि अपना बुजुर्ग है इसको आप मार्गदर्शन मंडल में डाल दो। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी इसमें शामिल क्यों होते हैं? उसमें इसलिए शामिल हुए हैं कि वहां पर भी वो कोई ऐसा निर्णय ना दे सके जो उनकी सहमति के बिना हो। अगर आपको ध्यान हो कि अडवाणी जी और जोशी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दो सीटों से आज बहुमत में लाकर खड़ा कर दिया, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का परिश्रम इसमें लगा, लेकिन मोदी जी ने उसको दरकिनार कर दिया। जबकि चाहे वो अडवाणी जी हो चाहे वो जोशी जी हो, दोनों ही नेता एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। एमपी का आपने उनको इलेक्शन लड़वाया, जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, उनको सांसद बनवाया, दोनों कहीं से भी अस्वस्थ नहीं है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि दोनों नेता भी चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें और अपनी जो भागीदारी है वो सुचारू रूप से जनता के समक्ष ला सकें। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का जो ये नीति रहती है कि कहीं भी उनके अधिकारों को कोई चुनौती ना दे सके, कहीं भी उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, लेकिन अडवाणी जी और जोशी जी के बड़ा कद है जो उनके कार्यों को हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ चेता सकते हैं। एकाधिकार के लिए उसके लिए मोदी जी ने उनको दरकिनार किया और संसदीय बोर्ड से हटाया और चुनाव समिति से हटाया और एक लॉलीपॉप जैसे बच्चे को दे दिया जाता है, लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि ये लो आप चुप हो जाओगे, उस तरह से मार्गदर्शन मंडल। क्या ये एकाधिकार का मामला है कि एक व्यक्ति के अधीन पार्टी को किया जाए? जी मनोहर मनोज जी, देखिए अमित जी ने जो बातें कही हैं मैं उससे बहुत मामलों में सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर संसदीय बोर्ड में
आडवाणी और जोशी होते हुए भी, तो आडवाणी और जोशी के तो पर पहले ही काटे जा चुके हैं। देखिए, इन लोगों ने जो चार पांच दशकों तक संसदीय राजनीति का नेतृत्व किया, खास करके आडवाणी जी ने, उनका एक विशाल काय व्यक्तित्व है। ठीक है, जब ऐसे पहले आपने कहा था कि छवि खराब हुई, जिन्ना वाले वक्तव्य को वो एक कंक्लूजन नहीं दे पाए कि इस देश के विभाजन के लिए जिन्ना के साथ साथ नेहरू भी जिम्मेवार थे, वो बीच में ही रह गए, लेकिन उनकी छवि काफी खराब हो गई उनके पार्टी के विचारधारा के मुताबिक। परंतु आज की तारीख में अगर हम कहेंगे कि जब चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार का जब चयन हो रहा था और सब लोगों ने यह तय किया नहीं कि संसदीय राजनीति में रहने वाले नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जलवा काफी बढ़ चुका है, सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ी उनकी रॉबिनहुड की छवि बन चुकी है, और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस किया, और जो एंटी इनकंबेंसी थी जो 2009 में नहीं था लेकिन 2014 में क्लियर रूप से दिखाई दे रहा था, और उसका फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्होंने शानदार विक्ट्री दी, तो उसके बाद से ही आडवाणी और जोशी अप्रासंगिक हो जाते हैं। और आज अगर संसदीय बोर्ड से हटाया गया है तो आप यह भी मानिए कि उनका समय भी पूरा हो गया, और वो रह करके ही क्या करेंगे। एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, एक वरिष्ठ मंत्री का उम्मीदवार, आज वो कहीं पर नहीं है, वो अपना समय काट रहे हैं, तो मार्गदर्शक के रूप में उनको एक तरह से एक नैतिक और एक ऐसा सम्मान दिया गया है जिसमें उन्हें यह लगे कि हम अगर सत्ता की राजनीति में नहीं है तो कम से कम हमारा एक मोरल प्रेशर। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आडवाणी जी का नाम निश्चित रूप से सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर, ये मेरा मत है। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर राय साहब, दो बातें चल रही हैं कि अगर मार्गदर्शक के तौर पर एक मंडल का गठन किया गया है, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें खासकर दो बातों को लेकर ज्यादा बात है कि अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी और साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी को जानबूझकर, जबकि वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं, तब भी लगातार बीजेपी के नेताओं ने साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। एक और चीज जो यहां पर अमित मिश्रा साहब ने कही कि राजनाथ और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी इसमें शामिल इसलिए नहीं हुए हैं कि एक मैसेज जा रहा है, उसे रोका जाएगा कि वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया गया है। एक और चीज जो अमित मिश्रा साहब ने इसमें जोड़ दी है वो ये है कि अब अगर वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेते हैं, एटलीस्ट उस पर भी हमारा कंट्रोल रहे। अमित पूरी पार्टी के आधार पर अगर देखा जाए तो अमित शाह जो हैं वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, वो पूरे पार्टी को कंट्रोल करेंगे, वहां उनका कंट्रोल है, और उधर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, तो ओवरऑल जो कंट्रोल हाथ में आने की बात है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है, और एटलीस्ट आकर सिचुएशन वही टिकती है कि लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में या वरिष्ठ नेताओं के हाथ में आपने कुछ नहीं छोड़ा। एक लाइन, मार्गदर्शक मंडल में अगर नरेंद्र मोदी और राजनाथ नहीं होते तो लगता आडवाणी जोशी को कि एक वैसे ही एक टेटुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। मुझे लगता है उनको संतुष्ट करने के लिए कि उनके साथ एक प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, पूर्व अध्यक्ष भी है, तो मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग करने का प्रयास किया। दोनों सिचुएशन बोला, मार्गदर्शक मंडल तकनीकी रूप से कोई शक्तिशाली संस्था नहीं है जी, पावर की बात आती है। चंद्रशेखर साहब, देखिए साहब, किसी के सोचने पे कोई रोक नहीं है, स्पेशली मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां क्या है लोकतंत्र वो उनको आप सब जानते हैं, पूरी धुरी सोनिया और राहुल के संग लगी हुई है, किस तरह से उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बाहर किया या कहां रास्ता दिखाया उन्होंने, मैं इस पर चर्चा में भी नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक मनोहर जी कह रहे थे कि वो एक तरह से इस तरह बना दिया गया मार्गदर्शन मंडल, आज तक बना नहीं था, कभी मार्गदर्शन जो आप कह रहे हैं मार्गदर्शन के लिए कोई मंडल कभी बना नहीं था, आज वो बना है, उसमें प्रधानमंत्री और माननीय राजनाथ जी इसमें हैं। अब वो कैसे होगा, आज आपने सोच लिया कि नहीं साहब वो तो कठपुतली की तरह काम करेगा, नहीं साहब उसमें तो प्रेशर ही नहीं होगा, नहीं साहब उसकी तो पावर ही नहीं है, ये सारी आपने अभी सोच लिया। जब आपको मालूम नहीं है कि बना नहीं था तो आप कैसे मानते हैं कि वो सही सलाह देगा कि नहीं देगा। किसी भी परिवार का जो बुजुर्ग होता है या बड़ा होता है या जिसने पार्टी को, आप जैसे अमित जी कह रहे थे कि जिसको सींचा उन्होंने मोदी को और मोदी ने ऐसा कह दिया, और मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में जो ये पूरा बहुमत आया है इसमें एक एक एमपी, एक एक सांसद जो बिना बैठा हुआ है, क्या वो आडवाणी जी के द्वारा सींचा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति को सींचा है। यही एक ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके अंदर निर्णय सब लोगों के संग मिल करके होता है। जब परिवार में एक बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसको सम्मान देता है, और ये सम्मान दिया गया है, ऐसा नहीं कहे कि आपने उनको निकाल करके ऐसा बाहर कर दिया है। आज भी आडवाणी जी की स्थिति जो पहले थी आज भी है, ये गलत है। ये मीडिया किस तरह से बोलती है या क्या उसका निर्णय लेती है, कौन किसके माने में रखता है, अमित मिश्रा जी का या मनोहर जी का क्या विचार है उसके बारे में लेकर के, उस पर हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक मार्गदर्शक मंडल बने, और उसकी मुझे लगता है कि आज जरूरत थी,
जब व्यक्ति बड़ा हो रहा है, परिवार बड़ा हो रहा है, उसमें बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। पार्टी ने कहीं ना कहीं, अगर आपने देखा होगा मंत्रालयों की बात में नहीं, भूमिका नहीं, भूमिका को लेकर आपको बात करें, भूमिका को लेकर करें या संगठन की बात करें नहीं, तो आपने देखा होगा एक एज ग्रुप को लिया गया है, पूरे एज ग्रुप को। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी में मुरली मनोहर जोशी जी के या आडवाणी जी के समकक्ष या उनकी उम्र का कोई नेता हो उसको यहाँ रख लिया हो और बाकी को हटा दिया होगा, ऐसा कोई बायस हो के तो काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर पार्टी ने यह कहा कि नई जोश के संग, नई ताकत के संग हम लोग चलेंगे और हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इनका हम मार्गदर्शन लेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? आदमी का नजरिया है, जो जिस नजरिया से देखता है उसको दिखाई देता है। हम ऐसा नहीं मानते, हमारे ये मानना कि नहीं वो हमारे मार्गदर्शन रहेंगे। भूमिका को लेकर सवाल है कि आखिर आप किस भूमिका में रख रहे हैं, ऐसे कौन से वो फैसले हैं जो संसदीय बोर्ड में रहकर लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी नहीं ले सकते थे या उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते थे? सवाल यहां पर भी आता है। संसदीय बोर्ड में रहने से या नहीं रहने से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति का कद जिनकी आप बात कर रहे हैं ये बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति हैं। अगर ये किसी व्यक्ति के विषय में कोई बात कहते हैं या पार्टी को लेकर कोई बात कहते हैं उसको सरमाथे पर रखा जाता है। संसदीय बोर्ड में 12 लोग बनाए गए हैं, ये 12 वो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है पार्टी कि ये जम करके पूरा समय दे सकते हैं पार्टी को और इनमें जोश भरने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पार्टी अगर लंबे समय तक काम कर रही है तो इन लोगों के संग एक नई पीढ़ी को ला करके एक नया जान फूंक करके पार्टी में लाने की बात हो रही है। अगर आप मंत्रालय को देखें या पार्टी में संगठन को देखें तो एक एक, 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 एक एज ग्रुप को रखा गया जिसके अंदर यह दर्शाता है कि नहीं, पार्टी को लंबे समय तक चलना है और पार्टी में जो निर्णय होने हैं ये नई युवा पीढ़ी के अंदर रहा है। और जहां तक मार्गदर्शन की बात है, जो पिता होता है, क्या आपको क्या लगता है जब परिवार में पिता की एज बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं हम लोग कि अब हम इसकी नहीं सुनेंगे? पिता पिता होता है, जिंदगी भर उसका आशीर्वाद रखा जाता है। जिस कद का जिक्र यहां पर चंद्रशेखर साहब कर रहे हैं, पूछेंगे उनसे कि क्या बीजेपी के अंदर पिछले अगर कुछ समय की बात की जाए तो क्या लालकृष्ण आडवाणी को वो पद दिया गया है या उन तमाम चीजों को जो उनकी तरफ से कही गई हैं उन्हें एक्सेप्ट किया गया है? एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर अटल आडवाणी के युग का अंत हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है जिस तरीके से संसदीय बोर्ड का गठन यहां पर किया गया है। तो साथ ही साथ आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि वास्तव में बीजेपी के अंदर अटल और आडवाणी और साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी का क्या कद रहा है और किस तरीके से संघर्षों के बीच बीजेपी को आज सत्ता के केंद्र में पहुंचाने तक का श्रेय अटल और आडवाणी की जोड़ी को जाता है। वाजपेयी को कमान। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले वाजपेयी को जनसंघ की कमान मिली। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबी पर चोट का नारा दिया, लेकिन चुनावों में उसे कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। उसमें इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही इंदिरा सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगने लगे और उधर जयप्रकाश नारायण ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और जनसंघ भी इसमें शामिल हो गए। जनता सरकार में वाजपेयी विदेश मंत्री बने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसका व्यापक विरोध हुआ। नतीजा 1977 के चुनावों में देखने को मिला। कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी, जिसमें जनसंघ भी शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। जल्दी ही भारतीय राजनीति का ये पहला प्रयोग विफल हो गया और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें इंदिरा की अगुवाई में कांग्रेस फिर सत्ता पर काबिज हो गई। बीजेपी के गठन। तो वहीं वर्ष 1980 में जनसंघ ने अपने को पुनर्गठित किया और नई पार्टी का जन्म हुआ और इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। हालांकि वर्ष 1984 के चुनावों में बीजेपी को केवल 2 सीटें ही मिली, लेकिन वर्ष 1989 में जनता दल के साथ सीटों के तालमेल से इसे 79 सीटें मिली। हालांकि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर मतभेदों के बाद भाजपा ने सरकार से हटने का फैसला किया। बीजेपी ने अयोध्या मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया। वर्ष 1990 में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जिससे पार्टी को काफी लोकप्रियता भी मिली। तो वहीं 1991 के चुनावों में पार्टी ने 120 सीटों पर सफलता हासिल की।
हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद उस पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगे। बीजेपी की दिल्ली में दस्तक। केंद्र में बीजेपी की पहली सरकार वर्ष 1996 में बनी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिनों के प्रधानमंत्री साबित हुए। वो बहुमत नहीं जुटा सके और महज 13 दिनों में सरकार गिर गई। 1996 के चुनाव में पार्टी को 161 सीटें मिली थी। इसके बाद 1998 में पार्टी ने 182 सीटें हासिल की। इसी समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का स्वरूप सामने आया, लेकिन ये सरकार भी 13 महीने ही चल सकी और अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई। लेकिन ठीक एक साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की अगुवाई में NDA फिर सत्ता में आई और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सरकार पूरे 5 साल चली, लेकिन वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी फिर कांग्रेस के हाथों में गई। 2014 का लोकसभा चुनाव और मोदी की ताजपोशी। 2014 के लोकसभा चुनाव के शुरुआत में ही लगा कि अटल आडवाणी युग का लगभग अंत होने वाला है। भाजपा नेताओं के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की मांग के रूप में उभरे और देखते देखते देश में मोदी लहर छा गया। इस बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर आडवाणी और नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा में मतभेद भी उभरे, लेकिन अंततः नरेंद्र मोदी को ही PM पद का उम्मीदवार बनाया गया और मोदी इतिहास रचते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह का भाजपा अध्यक्ष बनना। मोदी का प्रधानमंत्री बनना और आडवाणी को सरकार में जगह नहीं मिलने के बाद ही ये अटकलें लगने लगी थी कि अब पुराने लोगों को सरकार में जगह नहीं दी जाएगी। इसके बाद अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, किंतु इन सबके बावजूद पुराने वरिष्ठ नेताओं के लिए एक अच्छी बात थी कि पार्टी की सबसे ताकतवर समूह बीजेपी संसदीय बोर्ड में अटल आडवाणी जोशी जैसे नेता मौजूद थे। लेकिन आज इसके पुनर्गठन ने इस बोर्ड से भी इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात हो रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि नेताओं को साइडलाइन किया गया है जो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि कोई साइडलाइन नहीं है, हमने एक नया गठन किया है और उस गठन से और ज्यादा शक्तियां इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को दी गई हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है, अगर लोकसभा चुनाव से और अब तक बीजेपी के कार्यकाल की बात की जाए तो क्या लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से जो तमाम बातें कही गई क्या उन्हें स्वीकार किया गया है? चंद्रशेखर राय साहब, लालकृष्ण आडवाणी शुरुआत में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त उम्मीदवार के तौर पर आप लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी के अंदर किस तरीके की नाराजगी उभर कर सामने आई थी, उनकी तरफ से इस्तीफा तक दिया गया और अब हालात यहां तक आए हैं। अब इस पूरे अगर घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आप लोगों ने मार्गदर्शक जरूर बनाया है, आप लोग दावा भी कर रहे हैं कि हमने एक वरिष्ठ नेता बनाया है और मार्गदर्शक के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका रहेगी, मुरली मनोहर जोशी की भूमिका रहेगी, तो यह सवाल आखिर क्यों ना पूछा जाए कि आप लोग सिर्फ इसलिए उनको आगे कर रहे हैं या इस तरीके का एक गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि एक मजबूत बोर्ड जिसे संसदीय बोर्ड आप कह रहे हैं उसके अंदर इनका हस्तक्षेप ना रहे? ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की राय ली गई या नहीं ली गई। पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे उसमें आडवाणी जी भी थे, जोशी जी भी थे और जितने बाकी लोग थे, सबकी सलाह लेकर के उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। और जब संसदीय दल में अभी जो अगर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया, तो उसमें भी परंपरा के हिसाब से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है उसके हिसाब से सब लोगों से राय लेकर के और उनका पार्टी प्रेसिडेंट के लिए अनाउंसमेंट हुआ। अभी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं था और माननीय आडवाणी जी का उसमें भाषण था। आडवाणी जी ने उस भाषण में अपने कहा कि अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये बहुत अच्छा निर्णय है और मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके पीछे कोई दबाव या कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि आडवाणी जी ऐसे मुखर नेता हैं कि अगर उनके मन में कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से वो बोलते हैं। जहां तक मार्गदर्शक मंडल की बात है, मैं बार बार आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर पार्टी किसी को दरकिनार करती
तो फिर क्या जरूरत है मार्गदर्शक मंडल बनाएगी? इसका मतलब यह है ना कि सम्मान देना चाहती है पार्टी, अगर सम्मान नहीं देना चाहती है तो अगर उन्होंने संसदीय बोर्ड में नहीं रखा तो कहीं भी नहीं रखते। पर चूंकि आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब परिवार बड़ा होता है, बच्चे जवान होते हैं, तो वहां बुजुर्ग जो होता है या माता पिता का जो रोल होता है वो मार्गदर्शन का होता है, और उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पिता को धक्का दे करके कुछ। ये भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा ये कहती है कि अगर पिता का स्थान है तो वो पिता का रहेगा, लेकिन समय के संग जैसे भी परिवार की बागडोर होती है एक जवान के हाथ में जाती है और ये परंपरा चलती है, उसमें से नीचे बैठा देते हैं। तो इसी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी में चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो 12 लोग हैं, वो सब के सब वो एक पुत्र के समान है। आज पुत्र बड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, पिता देख रहा है उसको, तो ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को कि एक मार्गदर्शक मंडल इसके लिए बना दिया। अमित मिश्रा साहब, सीताराम केसरी के साथ क्या कुछ हुआ कांग्रेस के, ये सबको पता है, किस तरीके से लेकर विवाद भी सामने आते रहे। इससे और अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर लालकृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी को इस तरीके से एक नया गठन बनाकर सम्मानित बीजेपी की तरफ से किया जाता है? क्या इससे कोई अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है या इससे अच्छी कोई विदाई, अगर मान भी लिया जाए कि विदाई हो रही है? देखिए सुमित जी, राय साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं पार्टी के अंदर, और उनको एक बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, तो सब बात मैं उनकी मानता हूं कि आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन यही तो उनकी पीड़ा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सींचा है। एक सुन लीजिए मेरी बात, आप उनके स्टेटमेंट कहां कह रहे हैं कि मेरी पीड़ा है? अगर आप उनके इलेक्शन से लेकर अब तक के स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपने बोला कि मैं नेशनल काउंसिल की मीटिंग में था, वहां पर आडवाणी जी का भाषण हुआ, आडवाणी जी के भाषण को बीच में रोक दिया गया कि आप बस करिए, अब मोदी जी को बोलने दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और आप सारे स्टेटमेंट देखिए, आज जो ये चर्चा चल रही है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए राय साहब, अगर आज ये चर्चा चल रही है तो सिर्फ इस वजह से चल रही है कि कहीं ना कहीं आडवाणी जी के अंदर और मुरली मनोहर जोशी जी के अंदर एक पीड़ा है। और रही बात ये कि वो आदरणीय है, पिता तुल्य है, इसी बात की उनको पीड़ा है कि वो एक ऐसा मोहरा नहीं है कि उनको कोई भी आज का नौसिखिया जो लड़का है, जो भी कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, वो उठा के उस मोहरे को यहां से यहां रख दे, यहां से यहां रख दे, वो उनको बताए कि आपको किस मंडल में रहना है, किस का मंडल में रहना है, कहां से इलेक्शन लड़ना है, कौन सा आपको। अब कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए राय साहब, यही उनको पीड़ा है कि जब पिता खुद बोलता है अपने पुत्र को कि अब मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा या मैं अपनी जिम्मेवारियों को आपको हैंडओवर करता हूं, वो मर्यादा होती है, रिटायरमेंट का टाइम देना चाहिए। यहां पुत्र कह रहा है कि नहीं, अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप साइडलाइन हो जाइए, अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अब सुन लीजिए कांग्रेस की बात, आप बार बार जो कर रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके अंदर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलती हैं कि यदि चुनाव में हार हुई है तो मैं उसका इस्तीफा देती हूं। कांग्रेस सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। सुन लीजिए मेरी बात, एक बार आपने सीताराम केसरी को लेकर आया और क्या हालत कर दी है उस व्यक्ति की। मेरी बात, कोई पूछने वाला नहीं था, धक्का मार करके उसका बोर्ड तोड़ करके निकाला गया पार्टी से। सुन लीजिए मेरी बात, ये स्थिति रही है वहां पर, कार्यकर्ता बोलते हैं नहीं आप ही हमारी अध्यक्ष हैं, यदि जीत आपके साथ हमने एंजॉय करी है तो हार भी हम आपके साथ भागीदारी करेंगे और फिर दोबारा मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस वो पार्टी नहीं है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी में से निकल नहीं पाया बात। अगर आप कहते हैं कि अगर आप सत्यता को नकारते हैं, हम एहसान फरा मोर्च नहीं है, अगर आज कांग्रेस पार्टी है तो उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो आजादी का समय हो, चाहे वो कांग्रेस गठन का समय हो, और चाहे इतनी सरकारों का समय हो। नहीं ठीक है, अगर हम अच्छे समय में, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक बुरा समय है, अगर नहीं दूसरे आइडल नहीं, ठीक है ठीक है। हम यहाँ पर बार बार एक सवाल जो घूम फिर कर आता है वो विदाई पर आता है। सवाल यही है कि अगर यहां पर मैं चंद्रशेखर साहब से पूछूंगा कि क्या रिटायरमेंट का टाइम नहीं देना चाहिए था आपको, कम से कम एटलीस्ट उनके ऐलान का वक्त तो कर दिया, इंतजार किया जाता है। ठीक है, नहीं चलिए ठीक है ठीक है, चंद्रशेखर आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। अमित मिश्रा साहब, इससे अच्छा जो मैंने सवाल पूछा था आपसे इससे पहले कि इससे अच्छा एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती थी और ज्यादा क्या किया जाए अगर एक वरिष्ठ नेता या जो अपने उम्र के पड़ाव पर है उसे हम आइडियल क्या सिचुएशन। ये मुझसे मत पूछिए, ये माननीय आडवाणी जी से पूछिए कि उनके मन में क्या पीड़ा है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, वो क्या चाहते हैं संगठन। सारी बात तो आप बता रहे हो, ये बताओ ना, अभी तक तो आप ही बता रहे हो, आप बताओ, आप मैं तो बता ही रहा हूं। आप उनके बयान सुनिए ना, आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कौन सा बयान है, आप के बयान है, वो नहीं, वो लगातार लोकसभा चुनाव से वक्त की बात जो सिचुएशंस चली हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी चिट्ठी लिखना, तमाम पदों से इस्तीफा देना, उस पीड़ा की यहाँ पर बात की जा रही है। और मैं वही सवाल दोबारा फिर से दोहराता हूं, संगठन में उनको कोई दायित्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है चंद्रशेखर साहब, अगर वो वरिष्ठ हैं, अगर वो उन्हें एक पद पर रखना चाहते हैं, आप परिवार की बार बार जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरीके से अमित मिश्रा साहब ने भी कहा वक्त तो दिया जाना चाहिए था, अगर वो अपनी सहमति से उस चीज का ऐलान करते तो ज्यादा बेहतर ना होता? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग बार बार विदाई शब्द कह रहे हैं, विदाई कहां हुई है? क्या पार्टी से बाहर कर दिया,
क्या उनकी सदस्यता ले ली है, पार्टी क्या उनको निकालना विधान नहीं होता। मार्गदर्शन मंडल एक ऐसा मंडल बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, और भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं वो लोग बैठे हैं उसके अंदर। आपको क्या लगता है ये सम्मान नहीं? और दूसरी चीज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मार्गदर्शन नहीं लिया जाएगा? समय आने तो दीजिए। मैं तो ये बात कह रहा हूं, आज गठन हुआ है इसका, आज आपने निर्णय लेने शुरू कर दिए कि साहब उनकी विदाई कर दी गई। अरे भाई, किसी ने कहा है क्या कि विदाई कर दी गई? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक सम्मान के संग उनको रखा गया है और वो सम्मान बरकरार रहे। नरमो जी, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है, हम इसे अगर डिफाइन करें तो क्या ये आइडियल सिचुएशन है? मुझे लगता है कि आडवाणी और जोशी जी के बारे में जो पार्टी ने फैसला किया है कि उन्हें एक सम्मान के साथ जो है अब उनको एक तरह से रिटायरमेंट का मैसेज दिया जाए, अब उसमें बहुत गुंजाइश नहीं बची है। ये इस प्रश्न की गुंजाइश, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछले साल थी जब ये तय हो गया, जब आडवाणी जी ने खुद कह दिया संसदीय बोर्ड की मीटिंग में कि नरेंद्र मोदी ने भारी कृपा की इतनी भारी जीत दिलाकर। लालकृष्ण आडवाणी भी इस चीज को लेकर के नहीं अनुमान लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी इतनी भारी जीत दिलाएंगे। उन्हें यह लगता था कि कहीं ना कहीं एक एनडीए का कुनबा जो है वो कांग्रेस को हरा पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ इस तरीके से व्यूह रचना नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने बनाई कि उन्हें अकेले दम पर विक्ट्री मिली, और ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होता। आडवाणी और जोशी का जिस तरीके से उनको एक एग्जिट दिया गया या एक किसी और बहाने एग्जिट दिया गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अमित मिश्रा जी ने बड़े शालीनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न को लेकर के अपना पक्ष रखा, लेकिन अपनी पार्टी का जो उन्होंने बचाव किया है वो उसमें कोई दम नहीं है। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में रहना है तो सोनिया और राहुल की मुखालफत नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो अंदर खाने से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो डेमोक्रेसी के जो आदर्श हैं, जो एक पॉलिटिकल जो आइडियलिज्म है, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के जमाने से ही उसको तोड़ दिया है। और जहां तक मैं चूंकि एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एनालिसिस्ट के रूप में ये सारी बातें कह रहा हूं, मेरा मानना है कि देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक सुधारों की जरूरत है, और इसके लिए संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी को एक ऐसा, मतलब कि नियमों के तहत, कानून के तहत और गाइडलाइन के तहत इस तरीके से बांधना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी मठाधीश की तरह काम न करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 100% आदर्शवादी पार्टी है, वहां भी मठाधीशी चलती है, लेकिन कांग्रेस के तर्ज की नहीं है। कांग्रेस की तुलना में वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का, कलेक्टिव लीडरशिप का या आंतरिक लोकतंत्र का बहुत हद तक पालन होता है। हालांकि ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी की जो शैली है वो एकाधिकारवादी वाली शैली है, अधिनायकवादी वाली शैली है, परंतु अगर तकनीकी टर्म पर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने तो लोकतंत्र को बिल्कुल धता ही दी है। 16 साल से एक व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बना हुआ है, वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेसियों को भी मालूम है कि जहां कमान गांधी परिवार से हटेगी 10 लीडर आ जाएंगे, टांग खिंचवल शुरू हो जाएगी। तो उस लिहाज से गांधी परिवार का लीडर बने रहना हो सकता है अच्छा हो, लेकिन लोकतंत्र और आदर्शवाद का ये तकाजा है कि हर पार्टियां साइंटिफिक तरीके से देश में असली लोकतंत्र के लिए काम करें, न कि मठाधीशी और नेताशाही का दौर चले। बिल्कुल अमित मिश्रा साहब, अगर एक एक पार्टी पर एक परिवार का एकाधिकार चल रहा है, और वो पार्टी अगर इस बात को कहे कि बीजेपी के अंदर आप वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं, तो उससे किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा? एकाधिकार चल रहा है, लेकिन यदि वो जबरन चल रहा होता तो ये प्रशंसनीय लगता, लेकिन जब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष हो पार्टी का वो माने सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति वहां होती है जहां पर कि कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है कि मुझे अधिकार दिया जाए, जबरन दिया जाए, जबकि कार्यकर्ता उसे नहीं चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको हालिया बताता हूं, मेनका गांधी जी ने बयान दिया कि वरुण गांधी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, खुद प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही पार्टी के जो अन्य नेता थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, खंडन कर दिया। ये शर्मनाक बात होती है। साथ ही साथ शर्मनाक बात होती है। एक इतनी बड़ी नेता, सुन लीजिए मेरी, मनोहर जी कैसे शर्मनाक बात नहीं होती, इतनी बड़ी नेता पब्लिकली अनाउंस कर रही है कि मेरा जो बेटा है वो यूपी का मुख्यमंत्री प्रपोज जाहिर कर रही थी पार्टी ने, इच्छा जाहिर कमरे के अंदर करनी चाहिए, जहां पर आपका मंच है वहां पर करनी चाहिए, पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े नेता हुआ, आपको खुद देखना चाहिए जैसे हर नेता करते हैं। तो मैंने वही बताया ना कि शर्म तो गलती शर्मनाक होती है ना करके, तो मनोहर जी गलती ही शर्मनाक होती है, बयान ही गलत शर्मनाक होते हैं, बयान से आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है झूठे झूठे बोल के, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन नहीं, सवाल यही आता है अमित मिश्रा साहब, क्या अगर इस तरीके से एक एक जो आइडल सिचुएशन की बार बार मैं बात कर रहा हूं इनसे, क्या आइडल, मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं। नहीं, आप उसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आप उससे मैं आपको जवाब दूंगा। साल
शासन किया कांग्रेस ने, मैं इस 60 साल में ये पूछना चाहता हूं कि कितने अध्यक्ष और कितने प्रधानमंत्री पार्टी में आपके बाहर से रहे हो गांधी परिवार के। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां आप गिनिए कि कौन कौन कहां से आए। आज सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे यहां चाय बेचने की जिसकी उन्होंने बातें कही थी, चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं। आप हमारे यहां पार्टी संगठन के अध्यक्षों की सूची देखिए, उस संगठन में संघर्ष करके आगे आए हैं, और कम समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 अध्यक्ष हैं, और इनके यहां अगर ये पता कर लिया जाए तो गांधी से निकल नहीं पाए। तो क्या हम ऐसा मान लें कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा कोई है ही नहीं? क्या ये मान लें कि ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नेता विहीन हो चुकी है? क्या मतलब देश की जनता को और कोई दिखाई देता? ऐसा नहीं है। ये सरकार इस तरह से चली है पिछले 60 सालों में, संगठन इस तरह से चला है कि वन मैन शो की तरह चला है। वन मैन शो से आज ये स्थिति हो गई है कि जिस तरह से इन्होंने चलाया, आज कांग्रेस के अंदर इतना ज्यादा दर्द है जिसको अमित भाई आज शायद हो सकता है कैमरे के सामने ना कहे। अगर ये दुर्गति ना होती इन लोगों की, अगर इन्होंने ये पॉलिसी ना बनाई होती, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बाहर ना निकले होते, तो शायद ये दशा नहीं होती। अमित मिश्रा साहब, यहां पर जो आप बात कह रहे हैं कि लगातार जो कार्यकर्ता है वही गांधी परिवार के जो लोग हैं उनको अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते थे या वही कमान संभाले उसे देखना चाहते थे, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ बोला तो उसे आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो फिर बोलेगा कौन? आप हिम्मत कहां छोड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोलता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। एक पार्टी फोरम में आप अपनी बात उठाते हैं उसको बिल्कुल सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सब। अभी आपने देखा कि जो हार हमारी हुई लोकसभा चुनावों में, उसके लिए एंटनी कमेटी गठन हुआ। एंटनी कमेटी ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे नेताओं से, जहां पर हमारी सरकारें थी उनसे विचार विमर्श किया, जहां हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे उनसे विचार विमर्श किया, वहां पर हर तरह की बातें एंटनी कमेटी के सामने कार्यकर्ताओं ने रखी, जिसको कि कोई नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन यदि आप पब्लिकली जाकर कहीं पर अपना विरोध प्रकट करते हैं, पार्टी के बियॉन्ड जाकर काम करते हैं, तो आपको निष्कासित किया जाएगा। और रही बात ये कि राय साहब ये कह रहे हैं कि 60 साल हमारी पार्टी ने राज किया, तो 60 साल हमारी पार्टी ने अगर राज किया और उसमें अगर गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर आए तो वो जनता से चुने हुए आए, जनता के एमपी ने उनको चुना और जनता ने उनमें भरोसा दिखाया, जब भी वो सरकारें बार बार रिपीट भी हुई, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो जबरन कोई काम कराया जाता है, उसमें आपत्ति होती है। नहीं, अगर लोकतांत्रिक देश, सुन लीजिए एक मिनट, ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर लोकतंत्र में चुनावी सबसे बड़ा हथियार है। उस वोटों के दम पे 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, किसी अधिपत्य के तौर पर, किसी शक्ति के तौर पर राज नहीं किया है। देखिए, मैं इस अमित जी के ने जो ये सवाल जो उठाया है, अगर इसका आप राजनीतिक शास्त्रीय तरीके से अवलोकन करेंगे, पार्टीगत पॉलिटिक्स से अलग हट करके, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, और वह एक फॉरेनर व्यक्ति ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जो कि भारतीयता के सवालों को, आजादी के सवालों को, हालांकि वो मुद्दा बाद में आया, खड़ा करे। 1947 तक कांग्रेस पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। उसके बाद इस देश में विभाजन को रोकने के लिए और एक पार्टी की मोनोपोली को रोकने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनना चाहिए था 10 सालों के लिए, और नए सिरे से देश में नए तरीके के आजाद भारत में राजनीतिक दलों को बनाने की छूट मिलनी चाहिए थी, तब एक लेवल प्लेइंग होता देश की राजनीति में। लेकिन गांधी जी के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल बन गई, उसके ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके तमाम हायरार्की थी, तमाम उसका सेटअप था, बाकी सभी पार्टियों को नए सिरे से बनना था। यही वजह है कि देश में विपक्ष नहीं बन पाया, जो कि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमने तय कर दिया, लेकिन आपका ऑपोजिशन का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम, जो सोशलिस्ट ग्रुप जो था, जो जब से मजबूत विपक्षी था, वो लगातार खंडित होता गया, कभी नेतृत्व के सवाल पर, कभी मुद्दों के सवाल पर, कभी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के सवाल पर। तो जनसंघ जो कि पार्टी के रूप में आता है 51 या 52 जो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आने के बाद से, उनकी मातृ संस्था आरएसएस 1925 में आती है, उन्हें विपक्षी दल के रूप में बढ़ने में, मैच्योर्ड होने में लंबा वक्त लगा, तब जाकर के ये फुल मेजोरिटी मिली है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात का श्रेय ना ले कि 60 साल तक जनता ने हमें चुना, आपको वो लेवल प्लेइंग स्थिति मिल गई थी कि आप मोनोपोली बने हुए थे, मोनोपोली प्लेयर बने हुए थे, और इसी वजह से डायनेस्टिक रूल भी आगे बढ़ता गया। तो राजनीति शास्त्र की दृष्टि से भारत के लिए ये सारे घटनाक्रम सही नहीं हुए, देश का विभाजन भी हुआ, वन पार्टी रूल हुआ, वन डायनेस्टी चला, और जो करप्शन पर 1970 में पहल करनी चाहिए थी, आज 2010 में जाकर के देश उस पर बहस कर रहा है। ये 1960-70 का प्रॉब्लम था, कांग्रेस पार्टी उस समय राज में करती थी, चूंकि हमारे इलेक्शन का कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेसी में ये मुद्दा नहीं बनता था। इवन भारतीय जनता पार्टी भी करप्शन को बड़ा मुद्दा नहीं मानती थी, क्योंकि वो जानती थी इससे मुझे सत्ता नहीं मिलनी है। सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उलझे हुए थे, कांग्रेस पार्टी का एक अलग सामाजिक समीकरण था, भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू के आधार पर ही पार्टी का गठन किया,
तमाम रीजनल पार्टियां, छोटी पार्टियां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर चलती रही। इसी वजह से देश में स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ पॉलिटिकल प्रणाली और जो है स्वस्थ जो है एक साइंटिफिक सिस्टम जो है वो नहीं बन पाया। आज मठाधीश का कल्चर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी में, कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा है। ठीक, अमित मिश्रा साहब, आप लोग श्रेय नहीं ले सकते हैं अगर आप ये दावा करते हैं कि बीजेपी के अंदर वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। तो साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी से कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अंदर है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सबके सामने है। आप लोग इस बात का दावा जरूर करते हैं कि राहुल गांधी जो है सब में सबसे ज्यादा सुमित जी, पहले मेरी बात, मैं पहले मनोहर जी की बात क्लियर कर दूं कि चलिए मैंने आपकी बात मान भी ली, क्लियर कर नहीं, सुन लीजिए, मैं अपना आपने अपना व्यू रखा, मैंने शांति से सुना, ये तो हकीकत, मैं भी आपको हकीकत सही बात, मैं भी आपको हकीकत से ही रूबरू कराऊंगा, मैं भी कोई काल्पनिक या चलिए चलिए ठीक है, समय कम है, कोई बात, समय कम है, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा चर्चा करेंगे। चलिए चलिए, अगर आपने आजादी के समय की बात करी, उस समय कोई विपक्षी पार्टी नहीं भी थी और कांग्रेस को एक ही पार्टी थी, मोनोपोली थी, सरकार उन्होंने फॉर्म कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत बुरे काम करे, उसके बाद जनता को बेवकूफ बनाया, फिर 77 में तो आप दूसरी पार्टियां आई, क्यों नहीं वो सरकार चला पाई, उस समय तो विपक्ष था, सुन लीजिए मेरी बात मनोहर जी, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, 89 में तो सरकार आई, उसमें तो विपक्ष था, उसको उस समय जनता ने मौका दिया, क्यों नहीं चला पाई, 91 में तो सरकार थी, 91 में तो विपक्ष था, क्यों नहीं चला पाई। तो ये बात आप रहन दीजिए कि अगर हमें मौका दिया तो वो जनता ने नहीं दिया, हमने झूठे में ले लिया, जबरन ले लिया, और अगर आज हमारी पराजय हुई है तो वो हमारी नीतियों की वजह से हुई है, हमारी गलतियों की वजह से हुई है। अभी आप देख लीजिए 90 दिन का हश्र देखिए, 90 दिन में जनता त्राही त्राही कर रही है, और आज वो कह रही है कि यार हमने नहीं, आपने फैक्ट नहीं है, मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट गलत है कि त्राही त्राही कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। 98 में एनडीए ने सफल शासन चलाया, और जो इंडिया नहीं चल पाया, कारण ये था कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं था, जनता पार्टी में बीसीओ धड़े थे तो वो विखंडन होना ही था। मैं जो कह रहा हूं, मैं कोई आक्षेप के तहत नहीं कह रहा हूं, देश की राजनीति, और मैं भी आपको आक्षेप की तरह जवाब नहीं दिया है, मैंने भी आपको क्यों आपको नहीं मौका मिला, 89 मिला नहीं, 91 पार्टी की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो पैरोकारी कर रहा हूं ना सर, आप मेरे से बात करो, नहीं ठीक है ठीक है, अमित मिश्रा साहब यहां तक ठीक है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो रही है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, अगर हाल ही की परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ये कहती है कि वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, मैं वापस अपनी चर्चा को वहीं लाना चाहता हूं, अगर वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी के अंदर साइडलाइन किया जा रहा है तो कांग्रेस के अंदर क्या किया गया है, क्या राहुल गांधी सबसे ज्यादा परिपक्व और जितने वरिष्ठ नेता हैं उनसे ज्यादा सुपीरियर है? सुपीरियर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है और सब लोगों की सहमति से बनाया गया है। अभी मैं फिर दोबारा अपने व्यक्तित्व दोहराऊंगा, जब इलेक्शन में हार हुई तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन सभी नेताओं ने, जितना भी शीर्ष नेतृत्व था, सीडब्ल्यूसी थी, सबने उनका इस्तीफे को नकार दिया गया, और अभी पीछे 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कहां गांधी परिवार का प्राइम मिनिस्टर रहा, और अभी आप देख रहे हैं कि कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो चाहे वो कनिष्ठ कार्यकर्ता हो, वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार पूरे देश में करें और एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, लेकिन अभी वो समय चाहती हैं, उन्होंने अभी अपना व्यक्तित्व नहीं दिया कि इस पर क्या निर्णय लेंगे। अब अगर प्रियंका गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती हैं एक्टिवली, फिर आप यही चर्चा करेंगे कि फिर क्यों एक परिवार का व्यक्ति क्यों आ गया? नहीं, अगर प्रियंका गांधी आती हैं, अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो क्या उनके लिए आगे कोई जगह खाली नहीं की जाएगी? जगह खाली की जाएगी बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी युवा नेतृत्व की तरह अगर उनको आगे लाया जाता है तो इतना बड़ा संगठन कांग्रेस है, कहीं ना कहीं वो अपनी कमान संभालेंगे, जगह खाली की जाएगी, कांग्रेस को दिशा निर्देश, वरिष्ठ नेता जो है, वही तो आपसे कह रहा हूं सुमित जी कि इतने अनुनय विनय करे जा रहे हैं उनको लाने के लिए, तो ये तो एक सम्मान की बात होती है, और एक दो तरीका होता है कि मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे ये पद दीजिए, मैं इसके योग्य हूं, मुझे आप बनाइए, लेकिन पार्टी उसका विरोध करती है, वो चीज गलत है। नहीं, अगर अनुनय विनय इतनी की जाती है और एक प्रचार के दौरान उनका पोस्टर लगा दिया जाता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है सबको पता है। चंद्रशेखर राय साहब कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी सारी बातें रखी जिन बातों को आप लेके कह रहे थे, बट मैं कांग्रेस के बारे में एक बात कहूंगा, बहुत लंबी पुरानी पार्टी है, ए होम जिन्होंने पार्टी का गठन किया था, भाई साहब अभी बता रहे थे, एक विदेशी थे, उन्होंने कांग्रेस का गठन किया, आज जब कांग्रेस पार्टी का अंत होने जा रहा है तो भी एक विडंबना यह है कि इस पर भी एक विदेशी महिला बैठी हुई है। हिंदुस्तान का यह दुर्भाग्य कहें कि इतनी पुरानी पार्टी और इनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इनको कि जिनको ये कह सके कि नहीं कि हिंदुस्तान का भी कोई आदमी चलाना चाहिए, और ये लोग जाकर के बोलते हैं हम लोगों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि हम किसी को रिटायर कर लें, ये बड़ा दुखद है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को, चंद्रशेखर जी कांग्रेस की बीमारी बीजेपी में भी तो लग रही है, बीजेपी में कोई ऐसा सवाल बीजेपी में शुरू आज नहीं कहां लग गया बताइए मुख्यमंत्री। आज टिकट का ऐलान हुआ है, राजनाथ जी हमारे यहाँ पार्टी में वरिष्ठ नेताओं में से हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। नहीं, अगर आज टिकट दे दिया गया होता तो आप कहते इस बात को, कहते हैं आप बताइए मैं आपको बताइए किसको चाहिए कि मेरे जीते जी मेरा बेटा राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं ये देखिए आप हर आदमी जानता है सिंधिया के बेटा राहुल गांधी कांग्रेस जानता है, कांग्रेस आप राहुल गांधी को और भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट कैडर के राजनीति के जो प्रिंसिपल है वो डायनेस्टी और वो दिखाया राजनाथ जी ने, आज दिखाया इस बात को राजनाथ जी अगर चाहते तो अपने बेटे को टिकट देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। क्यों चाहेंगे उन पर आक्षेप आता रमन, यही तो मैं बात कह रहा हूँ, दिलवाया यही मैं बात कह रहा हूँ। अनुराग ठाकुर जो है वो उनका लड़का है, गठन में तो प्रेम कुमार धूमल की बात है। चलिए वंशवाद को लेकर परिस्थितियां अलग है, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन सवाल जो चंद्रशेखर राय साहब से मैंने सबसे पहले पूछा था कि यहां पर जो गठन किया गया है जिसे मार्गदर्शन का यहां पर नाम दिया गया है, बीजेपी उससे कितना मार्गदर्शन लेने वाली है, इस पर क्वेश्चन मार्क फिलहाल लगा हुआ है और आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कितना मार्गदर्शन बीजेपी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरफ से लिया गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है सुदर्शन न्यूज के सवाल का। आज का हमारा सवाल है कि क्या अमित शाह की अगुवाई में या नाम ही भेज सकते हैं? जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले आप अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं और इन तमाम प्रतिक्रियाओं का जवाब कल रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। वहीं कल सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल आपसे पूछा था, तो कल हमने आपसे पूछा था कि क्या बिहार में विधानसभा उपचुनाव में वाकई लालू और नीतीश के गठबंधन की जीत हुई है। तो इस सवाल पर ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो हमें मिली हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि नहीं, 98% लोगों का ये कहना है कि नहीं, महागठबंधन जो है वो कामयाब नहीं है, और वहीं साथ ही साथ हां कहा है 2% लोगों ने। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।